बैक टू माई अनदर वीडियो। और आज है मेरे साथ नया बजाज 125X जो कि नया 2022 में ही लॉन्च हुआ है। तो देखते हैं इसका फीचर्स और क्या क्या है इसमें। तो पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका फ्रंट से। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ पे DRL और उसके नीचे ये हेलोजिन राउंड शेप में एक हेलोजिन हेडलैम्प और इसके ऊपर प्रोटेक्टर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 125 का सस्पेंशन और जो कि यहाँ पे कवर के साथ भी आते हैं। और यहाँ पर जो टायर है ये है 18x117 का ट्यूबलेस टायर और यहाँ पे आपको एक रिफ्लेक्टर भी मिल जाता है। और यहाँ पे आपको 240mm का डिस्क प्लेट भी मिल जाता है। और यहाँ पर है एक मैट फिनिश के साथ मडगार्ड और यहाँ पे आपको हैलोजिन इंडिकेटर भी मिल जाएगा। और यहाँ पे है जो हैंडल बार है वो आप दिख रहे हैं, बहुत ही सिंपल सा हैंडल बार है। और जो सिटी स्टाइल का है, जो बजाज का पुराना सिटी स्टाइल का ही हैंडल बार आपको मिल जाता है यहाँ पे। और अब बात करते हैं इसका साइड प्रोफाइल से। साइड प्रोफाइल से बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होता है ये बाइक। यहाँ पर भी बजाज सिटी का 125 का एक्स का बैंडिंग है। और यहाँ पे आपका नियॉन कलर, नियॉन ग्रीन और जो ब्लैक कलर के उसको कॉम्बिनेशन पर एक स्टिकर आपको मिल जाती है। और इस कवर के नीचे छुपा हुआ है एक 3AH का वीयर आले बैटरी। यहाँ पर है जो इंजन कैपेबिलिटी है वो है 124.23 cc का इंजन है जो कि DTS इंजन मिल जाती है और एक कार्बोरेटर इंजन है। ये जो इंजन है ये एयर कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आती है। और यहाँ पे एक इंजन काउल भी मिल जाती है जो आपके इंजन को जो कीचड़ है और जो पानी है पानी से प्रोटेक्ट करेगा। और यहाँ पे तो लेग गार्ड मिल जाती है आपको। और यहाँ पे आपको जो टैंक मिलती है और इसका जो टैंक कैपेसिटी है वो 11 लीटर का है। यहाँ पे सिटी का आपको ब्रांडिंग मिल जाती है और नीचे ग्रीन और जो व्हाइट कलर का आपको कॉम्बिनेशन के तरफ स्टिकर मिल जाती है। और यहाँ पे मिल जाती है एक थोड़ा सा टैंक गार्ड जो स्क्रेच भी प्रूफ करेगा और आपको पैर को एक थोड़ा सा सेफ्टी भी प्रोवाइड करेगा। और यहाँ पर है एक लेग गार्ड। और ये जो बाइक है ये आपको किक स्टार्ट और सेल्फ स्टार्ट दोनों के फैसिलिटी के साथ मिलती है। ये 10.9 BHP का पावर प्रोड्यूस करती है और इसका जो मैक्स टॉर्क है वो है 11 Nm। और ये 5-speed गियर बॉक्स के साथ आती है। और इसका जो गियर है वो सब सामने की ओर ही लगती है, फ्रंट गियर से लेके 5th गियर तक ये सामने ही है। अब बात करते हैं इसका रियर साइड का। तो सबसे पहले आपसे बात करेंगे इसका जो मडगार्ड है, टायर मडगार्ड बहुत ही अच्छा किस्म का और मैट फिनिश के साथ आती है। और यहाँ पर है एक रिफ्लेक्टर, यहाँ पे आपका नंबर प्लेट लग जाएगा। और ये है एक टेल लाइट जो कि हैलोजिन में ही आते हैं रेड कलर में और दोनों साइड हैलोजिन इंडिकेटर आपको मिलती है। और यहाँ पे जो पीछे जो टायर यूज़ किया गया है वो है 19x100 का 17 टायर और ये भी ट्यूबलेस है। और पीछे जो ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी आप देख रही है ये है डंप पुराना जो बजाज का है और डंप टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे जो सस्पेंशन यूज़ किया गया है ये है 100mm का नाइट्रॉक्स और जो कि डबल स्प्रिंग के साथ आते हैं और ये एडजस्टेबल है, आपका हाइट के अनुसार आप इसे एडजस्ट कर पाओगे। और बात करते हैं इसका सीट के। इसका जो सीट है ये TM फॉर्म का सीट है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है सीट है, बैठने में आपको दिख ही रहा है। और सीट का जो टोटल लेंथ है ये है 700mm की सीट का लेंथ है। और पीछे आपको कैरियर भी अवेलेबल मिलता है और ये जो वेट कैरी कर सकता है लगभग 80 kg तक ये कैरियर पे आप वेट ले सकते हो। और आगे हम बात करेंगे इसका जो स्टेयरिंग है, मतलब जो हैंडल बार है इसमें हम दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मिल जाएगा ये अपर डिपर का स्विच, उसके आगे आपको मिल जाएगा एक लाइट पास की स्विच, फिर आपको मिल जाएगा यहाँ पे दोनों तरफ के इंडिकेटर के स्विच भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे हॉर्न की स्विच मिल जाएगा और हॉर्न की साउंड आपको सुनाई दे रही है, बहुत ही शानदार है इसका हॉर्न के साइड साउंड। और यहाँ पे है जो जिससे आप हेडलाइट ऑफ भी कर सकती हो, ऑन भी कर सकते हो। यहाँ पे है सेल्फ स्टार्ट, लगभग जो स्टैंड लगा हुआ है इसलिए स्टार्ट नहीं हो रही है। ये BS6 में एक फैसिलिटी है, अगर स्टैंड लगा हुआ है तो आप बाइक कभी भी ऑन नहीं कर सकते हो, एक सेफ्टी फीचर्स में आती है। और यहाँ पे आपको मिल जाती है लुकिंग ग्लास। तो यहाँ पे बात करते हैं इसका मीटर के बारे में। तो यहाँ पे जो मीटर मिलती है वो है एनालॉग मीटर, यहाँ पे आपका एनालॉग स्पीड मीटर दिख जाएगा। और मिडिल में इसका जो पुराना स्टाइल का है जो कि हर एक पुराना बाइक में होता था, यहाँ पे आपको जो बाइक कितने किलोमीटर चली या नहीं इसका जो इंडिकेटर है इसमें दिख जाएगा आपका बाइक कितना किलोमीटर चली है। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा एक फ्यूल इंडिकेटर जिसमें आप देख सकते हो कितना फ्यूल है
और साइड में ही आपको मिल जाएगा एक इंडिकेटर का जो सिंबल है वो, और यहाँ पे न्यूट्रल, और यहाँ पे एक इंजन, जो इंजन का। और इस बाइक का जो सबसे ज्यादा शानदार फीचर है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है और मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको सबसे ज्यादा पसंद आएगा, ये फीचर्स बहुत ही ज्यादा छोटा फीचर्स है पर बहुत ज्यादा काम का। ये जो यूएसबी पोर्ट यहाँ पे दे रखी है ना, बहुत ही ज्यादा एक छोटा सा फीचर है पर बहुत ही ज्यादा काम का है। इससे आप कोई भी किस्म के मोबाइल आप चार्ज कर सकते हो। का जो एग्जॉस्ट नोट है बाय एग्जॉस्ट का जो साउंड है वो कुछ है ऐसा। जो बाइक है वो थ्री कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ आती है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट पार्ट है बाइक का वो है इसका प्राइस। तो इसका जो एक्सोरूम प्राइस है वो है 71,000 से लेके 74,000 एक्सोरूम प्राइस है, और इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 87 से लेके 91,000 तक। ये डिपेंड करती है आप कौन सी सिटी से है और कौन सी शोरूम से बाइक आप ले रही हो।